करगिल एक ऐसा कौम है जिसने हमेशा से जब भी मुल्क को जरूरत पड़ा, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को जरूरत पड़ी, हमारे बच्चे बच्चे ने, हमारे जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माओ बहनों ने हमेशा से अपने जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी देती आई है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उसका सिला हुकूमत जम्मू और कश्मीर, हुकूमत हिंद इस शक्ल में हमें दे रही है, ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। और साथ ही जो SRO 110 है, जो अभी रिसेंटली रियासती सरकार ने जो इशारा किया है, वो एक कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन हम जिसको बोलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कुछ कानून नाफिज किए जाते थे जो कि लोकल लोगों के ख्वाहिशात एहसासात के अपोजिट होते थे, वैसा ही एक SRO है ये। और साथ ही साथ SRO 110 जो है वो हमारी बुनियादी हकूक जो कि आईन हिंद के कई मौरजे वजूद में आई है, और आईन हिंद के आर्टिकल 14 और 15 के तहत राइट टू इक्वलिटी यानी हुकूक के मसावी जो कि हर शख्स हर इलाके को हासिल है उसके बरखिलाफ है। तारीख गवाह है कि लद्दाख हमेशा से अमन, भाईचारगी और अखंडता का गहवारा रहा है, लेकिन कुछ लोग रियासती सरकार में, कुछ लोग मरकजी सरकार में इस भाईचारगी को खत्म करने की एक नापाक साजिश रचा रही है और हम उसे बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे। और अपना एहतजाज किया और अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज किया और हमारे DC साहब के पास अपना ये मेमोरेंडम पेश किया है जिसमें हमने हमारे करगिल के हकूक को बहाली के लिए ये हमारी पैगाम सेंट्रल गवर्नमेंट तक और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए कहा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हमारी मांग हमको जल्द अज जल्द हमें मुस्बत नतीजा आएगा। अगर हमारे इस एहतजाज का कोई असर ना हुआ तो इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। कल हमारे जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जितने भी करगिल के अवाम जो जम्मू में मुकीम है, वो सब जो है इसको प्रोटेस्ट करने के लिए कल करबला कॉम्प्लेक्स से लेकर प्रेस क्लब तक जो है एक रैली का अहतमाम किया है। तो उसके सिलसिले में हमने यहाँ भी उसका कल के हड़ताल की कॉल दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे मिल के, सारे करगिली जिस तरह से एक जिंदा कौम की मिसाल पेश कर रहे हैं, जम्मू में भी वो सब इस मुहिम को जो है इसको सपोर्ट करें और सड़कों पे आके निकल के अपने इस डिमांड को जो है वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करें।